पीएम मोदी ने शनिवार को वैक्सीनेशन के अगले चरण का जिक्र करते हुए बताया कि अब देश में सभी फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के कोमॉर्बिडिटी वाले मरीजों के लिए भी प्रिकॉशन डोज उपलब्ध होने का ऐलान किया गया। माना जा रहा है कि ये प्रिकॉशन डोज बूस्टर डोज के तौर पर काम करेगी। आज नोदिस के इस वीडियो में हम आपको बूस्टर डोज से जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे। बूस्टर डोज क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, भारत में इसको लेकर क्या स्थिति है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बूस्टर डोज क्या है। किसी वैक्सीन की डोज देने के बाद टीके की एक एक्स्ट्रा खुराक को बूस्टर डोज कहा जाता है। ये बूस्टर हफ्तों, महीनों या सालों के बाद दी जा सकती है। पहली डोज के साथ इम्यून सिस्टम को वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए तैयार किया जाता है। वहीं बूस्टर शॉट्स शरीर के इम्यून सिस्टम को उसी वायरस के बारे में याद दिलाने के लिए दिए जाते हैं। ये इम्यून सिस्टम इम्प्रूव कर उसे बूस्ट कर देता है। बूस्टर शॉट तब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति ने अपनी वैक्सीन की सीरीज पूरी कर ली हो। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में कब लगेगी बूस्टर डोज। पीएम मोदी ने बताया कि 60 साल से ऊपर की उम्र के गंभीर बीमारी से ग्रस्त नागरिकों के लिए डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का ऑप्शन 10 जनवरी से उपलब्ध होगा। वैक्सीन की डोज लेने के इच्छुक बुजुर्गों को पहले एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिसमें इस बात की पुष्टि होगी कि वो किसी गंभीर बीमारी होने के कारण कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा 10 जनवरी से ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी प्रिकॉशन डोज देने की घोषणा पीएम मोदी ने की थी। आइए अब आपको बताते हैं कि WHO ने क्या कहा। WHO बूस्टर शॉट को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। WHO प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अमीर देशों में धड़ल्ले से वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाए जाने से महामारी के लंबे समय तक रहने की संभावना बनेगी। उन्होंने कहा था कि इससे वैश्विक वैक्सीन असमानता बढ़ेगी और कोई भी देश इस तरीके से महामारी की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि बूस्टर डोज पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। हाल ही में यूके की एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि ओमिक्रॉन के गंभीर मामलों में बूस्टर डोज 80% तक इफेक्टिव है। हाल ही में मॉडर्ना ने कहा है कि बूस्टर डोज से 83% इम्यूनिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा इजराइल की एक स्टडी में सामने आया कि वैक्सीन की बूस्टर डोज हॉस्पिटलाइजेशन रोकने में 93% कारगर है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।